हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लो फाई बीट किस तरह बनाते हैं, बॉलीवुड लो फाई बीट। तो बहुत ही आसान वे में बताऊंगा आपको, और यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। जो लोग वोकल्स के ऊपर बीट बनाना चाहते हैं, आइडिया नहीं लग रहा है उनको, भी यहां से आइडिया लग जाएगा, मिल जाएगा किस तरह से वोकल्स के ऊपर बीट बनती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मज़ेदार होने वाली है वीडियो, काफ़ी चीज़ यहाँ से आप सीख के जाने वाले हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट भी करना, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसका जो वोकल है वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है किन्ना चिर प्रोफेसी का, काफ़ी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है मेरा, तो काफ़ी पहले जब भी आया था तब से मैं सुन रहा हूँ इसको, ठीक है। रील्स के ऊपर तो अब ये वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग रिक्रिएट कर रहे हैं इसको। तो आज हम भी रिक्रिएट करेंगे लो फाई बीट स्लोड एंड रिवर्ब, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास वोकल है, आपके पास भी कोई हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो टेम्पो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किस तरह, यहाँ पे जाएंगे टेम्पो पे, यहाँ करेंगे टैप पे क्लिक, और टेम्पो टैपर पे टैप करेंगे, पीछे से करेंगे वोकल को प्ले। नचर तेनु दिल चिलका के रखिया किते वख ना हो जावी मैं तो तुम तेनु साहा दी लड़ी। 118 बता रहा है ये टेम्पो, तो ये इस तरह से टैप करके आप टेम्पो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार मेट्रोनोम ऑन करके सुनते हैं किस तरह का मैच हुआ कि नहीं हुआ। नचर तेनु दिल थोड़ा सा यहाँ से जो बीट है उससे बाहर है, तो किस तरह से सेट करना है इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से, जूम करके देखते हैं, परफेक्ट। अपने पास जो है इसका टेम्पो वो हमने फाइंड आउट कर दिया है पूरा टेम्पो के साथ, मेट्रोनोम के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है फॉर्मेट शिफ्ट। तो काफी सॉन्ग्स में आपने जो वोकल है उसकी फॉर्मेट है उसको शिफ्ट, मोटी आवाज आपने सुनी होगी, तो किस तरह कर सकते हैं। स्ट्रेच प्रो में जाएंगे तो यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, जितना भी आपने रखना उस हिसाब से, मैं जाऊँगा 400 के आसपास। इस तरह से आपने सुना होगा लो फाई सॉन्ग जो मैक्सिमम उसमें फॉर्मेट चेंज हुआ होता है वोकल का। तो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है टेम्पो की स्पीड भी उसमें थोड़ी सी कम की जाती है, जो एक्चुअल टेम्पो होता है 118 है, तो 10 कम करेंगे इसको हम, 10 या 8 जितना भी करना है, 110 के आसपास रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 ही कम करना है, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा ही स्लो हो जाएगा, तो साउंड अच्छी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया परफेक्ट। तो नेक्स्ट चीज आती है की, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल इसकी। इसके नीचे एक पैटर्न रखेंगे, तो जल्दी से हम की भी फाइंड आउट करते हैं और इसके नीचे कॉर्ड्स का पैटर्न भी बनाएंगे, ठीक है, कॉर्ड्स भी बनाएंगे। FL की लूंगा मैं। तो अगर आप पियानो बजाते हो, अच्छे प्लेयर हो, तो आप पियानो पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम करेंगे यहीं पे फाइंड आउट, वोकल को प्ले करेंगे, एक एक नोट को प्रेस करेंगे, जो कि जो नोट सेट हो रहा होगा वही अपनी की होगी, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बी नोट अपने को मिल गया है। अब मेजर माइनर किस तरह पता करना है, कॉर्ड प्ले करनी है, मेजर माइनर पहले मेजर पकड़नी है, माइनर पकड़नी है, वो आपके ऊपर। तो जो भी आप कॉर्ड पकड़ोगे मैच होनी चाहिए इसके साथ, जो भी मैच होगी तो मतलब वो स्केल है, ठीक है। जो इसकी की है वो है बी माइनर, मैंने माइनर पकड़ी थी बी माइनर, तो बी माइनर पे हम बनाना शुरू करेंगे कॉर्ड फटाफट, ठीक है। पियानो रोल पे गए, यहाँ पे गए व्यू पे गए, सॉरी व्यू पे गए स्केल हाईलाइटिंग, और यहाँ कर दी बी नेचुरल माइनर सेलेक्ट हमने स्केल, ठीक है। तो बेस नोट पे जाएंगे सबसे नीचे, तो इस तरह से कॉर्ड पहले हम बनाएंगे बी माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी कॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं।
और जिसको नहीं आती तो मैंने वीडियो बना रखी है कॉर्ड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वोकल के नीचे, वो जाके देख लो बहुत ही आसानी से। यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ किस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। ये कॉर्ड हमने बना दी, तो आप इसके बेस नोट को इस तरह से कॉपी करके नीचे वाले ऑक्टेव पे भी ले जा सकते हो, ठीक है, नीचे वाले बी पे। कॉर्ड्स बन के तैयार, तो इसमें दो तीन एलिमेंट का यूज़ होता है मैक्सिमम। एक कॉर्ड्स होगी गिटार या पियानो की, और पैड्स होगे या फिर बेल्स की साउंड होगी, मतलब वाइड सी साउंड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आप कुछ भी ले सकते हो, पैड्स ले सकते हो या बेल्स की साउंड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे फ्लैक्स पे, कोई भी एक एटमॉस्फेयर वाला फील देने के लिए कुछ भी जो साउंड होगी यहाँ पर हमारे को मिलेगी वो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से ये वाली लेता हूँ मैं, सही लग रही है, एक फील दे रही है। तो इसके बाद क्या करना होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, जो सेम कॉर्ड बनाई उसको कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद जो और चीज़ आती है वो आती है बेस। सिंपल बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। तो फ्लैक्स लेके आप बेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बेस लाइन सिंपल सी। तो यहाँ पर बेस गिटार अपने पास पड़ा है, तो आप इसके नीचे बेस लाइन का यूज़ कर सकते हो या फिर 808 का यूज़ कर सकते हो वोकल के हिसाब से, जो भी वोकल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस लाइन रिक्वायर करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा उस टाइप का साउंड कर रहा है, सॉन्ग थोड़ा सा फील वाला, तो बेस लाइन इसमें अच्छी लगेगी। तो सेम वही नीचे वाले नोट को कॉपी करूँगा मैं और इसको कर लूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एक अलग सा पैटर्न यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, तो इसको रखूँगा मैं इसके नीचे, ठीक है। पेस्ट हो गए, यहाँ से कट करके बेस वाले में पेस्ट कर दे, ठीक है। उसको आगे तक यूं करके पेस्ट कर देंगे जहां तक आपने बनाना, ठीक है। तो इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है इसमें, जो इफेक्ट है इन साउंड को लो फाई की तरह किस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो इसको ले जाऊंगा मैं सेकंड और या थर्ड, जहाँ भी लेना है एक ही जगह भी आप इसको रख सकते हो। इन दोनों चीज़ों को मैं अब लो फाई वाला फील दूंगा, पहले लूँगा इक्वलाइज़र, मिक्सिंग करूँगा इसकी, यहाँ पे जाऊँगा रेडियो वाले इफेक्ट पे, ठीक है। इस तरह करना है, अब सुनना है। अब यहाँ से इसको सेट कर सकते हो क्योंकि लो फाई होती है उसमें हाईज बहुत ही कम होती है, तो मिड की ओर ले जाएंगे, इस तरह का साउंड करेगा, ठीक है। ये लो फाई वाला फील दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, पैचर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आइजोटोप वाइनल है उसका यूज़ कर सकते हो या RC20 उसका यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है। मैं तो यहाँ पे पहले मैक्सिमस का यूज़ करता हूँ, मैक्सिमस। तो यहाँ पे एक आपके पास जो है लो फाई का प्रीसेट मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे हो गया। तो नेक्स्ट चीज़ जाऊँगा मैं पैचर पे, पैचर लोड कर देना आपने। पैचर में जो वाइनल वाला इफेक्ट होता है उसको आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे यहां पे और यहां राइट क्लिक करेंगे और यहां जाएंगे ह्यूमिनाइजर पे। ये क्या करेगा, आपके जो पिच फ्लैक्स करेगा और ये वो वाइनल वाला फील देगा, ठीक है। वो वाला फील आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आप कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोरस का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्रेशन, कोरस वगैरह, रिवर्ब का यूज भी इसमें आप कर सकते हो, जैसा भी आपने इफेक्ट क्रिएट करना, ठीक है, सिंपल सा। तो ये अपने पास बन चुका है इस तरह का, और बाकी चीज इसमें कुछ आती नहीं है। और बाकी इसके बाद आप ड्रम का यूज यहाँ पे कर सकते हो, पर जॉनर के लिए अलग अलग सैंपल पैक होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सैंपल पैक है, साइमेटिक लो फाई स्टार्टर पैक। अगर जिसको ये सैंपल पैक चाहिए तो मेरे को इस वीडियो में 50 लाइक कर दो और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले लेंगे हम किक, या फिर सबसे पहले एक चीज़ आई है वाइनल नॉइस, आपने काफ़ी सुनी होगी, तो यहाँ से नॉइस का यूज़ सबसे पहले करेंगे हम। इस तरह की नॉइस आपने सुनी होगी काफ़ी सॉन्ग्स में, मैक्सिमम लोफाई में, तो इस तरह का नॉइस का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उसको स्ट्रेच कर देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो
तो इस तरह की नॉइस आपने हर लो फाई सॉन्ग में सुनी होगी, ठीक है। तो इसको भी कर देंगे आगे तक पेस्ट इस तरह से। ठीक है, ये अपने पास होगी साउंड अचीव, ठीक है, नॉर्मल सिंपल सी साउंड। तो नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अब इसके नीचे ये इतनी चीजें आती है, इसके नीचे आप बीट बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बीट रिदम होती है इसके नीचे, वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। किस तरह, जो ये पैक है इसी से मैं लूंगा किक, एक किक लूंगा, तो इसके नीचे किक का पैटर्न बनाएंगे और क्लैप या स्नैप जो भी, इस तरह की जो सैंपल पैक होते हैं, देखो अलग तरीके के इसमें आपको सैंपल्स मिल जाते हैं जो अच्छी तरीके से साउंड करते, ठीक है। तो और एक चीज लेंगे हाई हैट, क्लोज हाई हैट, ये वाली लूंगा मैं। तो मैक्सिमम ये तीन ही चीजें इसमें यूज होती है, किक, स्नैर, क्लैप जो भी है, और इस हाई हैट, इतनी चीजें यूज होती है इसमें, ठीक है। और कई सॉन्ग में आपने सुना होगा हाई हैट का यूज भी नहीं होता, किक और क्लैप का होता है सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाई हैट का पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ। इस तरह से इसके नीचे हाई हैट का जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करेंगे, और स्नेयर का पैटर्न जो होता है वो सिंपल इस तरह से इसके नीचे होगा। जो साउंड है इसकी थोड़ी सी हम यहाँ से इसकी जो साउंड है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। और अब आप यहाँ पे किक प्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। पियानो रोल पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर वेरिएशन भी दे सकते हो, अलग अलग जो आपके पास फोर बार का लूप इस तरह से बना सकते हो आप, तो इसके नीचे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी इस तरह से आगे इसको पेस्ट कर सकते हो आप जहाँ तक आपने बनाना है, ठीक है, सिंपल। बाद में इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसकी अरेंजमेंट करते हैं फटाफट, किस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने कॉर्ड्स वगैरह बनाई है उसको कर देंगे स्प्लिट बाय चैनल, अलग अलग तरीके से इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, अलग अलग जिस तरह से आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में हम रखेंगे इस तरह की जो पियानो की कॉर्ड्स है उससे हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और सेकंड जो एक जो पैड्स वगैरह का यूज किया हमने उसको हम अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे जो किक्स है वो अपने को नहीं चाहिए, ना हाई हैट चाहिए, ओनली हमको चाहिए यहाँ पर क्लैप, ठीक है। यहाँ पे जो फील वाला साउंड आ रहा है तो इसको हम यहाँ से इस आगे पेस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर बेस का यूज भी नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हो आप बेस का यूज। तो इस तरह से आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो, जिस तरह से आपने करनी है वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो आइडिया दे दिया आपको, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया मैंने किस तरह से बनता है। तो वोकल के जो इफेक्ट होते हैं इसमें मैक्सिमम जो वोकल होता है वो बैकग्राउंड में सुनाई देता है, बहुत ही पीछे सुनाई दे रहा होता है। तो इसमें कोरस का इफेक्ट आप यूज कर सकते हो इस तरह से, रिवर्ब का यूज कर सकते हो और ज्यादा बैकग्राउंड में इसको पुश करने में, स्लो एंड रिवर्ब प्लस लो फाई, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट से सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है, ठीक है।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੋ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚ ਮੈਂ ਤਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੋ ਕਹਾਂਗਾ सिंपल सी जो बॉलीवुड लो फाई बीट बना सकते हो स्लो एंड रिवर्ब, बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने। तो मैंने बिना किसी कट के आपको बताया है, कोई भी कट नहीं लिया बीच में, तो जितना मेरे को अरेंजमेंट हो सके उतना कर दी मैंने। और आपको मैंने हर बार बताता हूँ, मैं हर बार बताया हुआ है कि आप थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हो, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जहां आपको लगते कोई और एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप सिंपल लो फाई बीट बना सकते हो बॉलीवुड टाइप, किसी भी वोकल के ऊपर बीट भी इस तरह से बना सकते हो। बाकी अरेंजमेंट आप कर सकते हो जो जो आपके पास आइडिया आ रहा है। थोड़ा आपको एक दो घंटे का ब्रेक देना है, उसके बाद आओ और सेशन पे बैठो, उसके बाद आपके पास कुछ और आइडिया आते हैं तो यहाँ से इसमें चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार कभी भी पूरी बीट नहीं बनती। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बॉलीवुड लो फाई बीट हम बनाए। अब इसके ऊपर ये भी क्लियर हो गया होगा कि बीट वोकल्स के ऊपर बीट किस तरह बनती है। तो मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बता दिया, बहुत ही सिंपल वे में बताया। इस तरह से आप फटाफट करके एक दिन में अपना जो ट्रैक है लो फाई बॉलीवुड वाला, कहीं से वोकल उठा लो और उसके नीचे बीट बना लो और डाल दो यूट्यूब पे। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको नॉलेज भी आएगी। तो इस तरह करते रहिए और सीखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो, और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। 1K जल्दी से कर दो, और उसके में मैंने बोला आपको कि गिव अवे करूँगा, मैं बहुत सी चीज़ें आपको दूंगा, तो 1K होने वाले हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, फैला दो सब जगह। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।